बरेली जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ओपीडी के प्लास्टर रूम में कर्मचारी रुपए लेकर मरीजों के प्लास्टर चढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि रसीद कटने के बाद ही प्लास्टर चढ़ाया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल में कर्मचारी सरकार को चूना लगा रहे हैं, बिना रसीद काटे ही रुपए लेकर प्लास्टर चढ़ा रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी कमरा नंबर 8 में आर्थो की ओपीडी में हड्डी के डॉक्टर बैठते हैं, उसी में अंदर रूम में प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है। डॉक्टर की नाक के नीचे प्लास्टर चढ़ाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। जिला अस्पताल के ADSI डॉक्टर मेघ सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और कहा कि वार्ड बॉय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अवैध रूप से मैंने आपके द्वारा ही मुझे पता चला है ये कि क्या ना विशेष तरीके से यहाँ पर ये अवैध वसूली कर रहा है, और जैसा भी होगा मैं इससे स्पष्टीकरण जवाब लेके स्पष्टीकरण मांग के और इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई मैं करूँगा। डॉक्टर के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं, जैसे कि आपने जब उनसे डाटा मांगा था तो डाटा नहीं देकर वो चुपचाप अपना कार्य करने चले गए थे और कहा था कि जो डॉक्टर मुझसे कहते हैं मैं वही करता हूँ। नहीं, तो इस विषय में क्या? हाँ, मतलब यह है ना कि अगर वो क्या सच्चाई है इसमें, जो है कितनी सच्चाई है, मैं अपने डॉक्टर से मांग के और उनसे क्या नाम पूछ के मैं उनको भी क्या नाम है ये कहूँगा कि इसमें दो लाइन का अपना स्पष्टीकरण वो भी दें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।